अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू थर्ड व्लॉग। आज हम ऐसे ही बैठा हुआ था अपने परिंदों के पास, तो मैंने देखा ये इतना सारा गंद हो रहा है इनके पास। तो अभी अभी मैं सो के उठाऊँ, तो सो के उठने से के बाद अभी मेरा पहला काम होगा कि इस जगह को साफ कर, तो सफाई मैं कर लेता हूँ जब तक आपके टाइम लग सके। तो सारा कचरा जो था वो मैंने यहाँ जमा कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैंने जमा कर लिया है। तो मैं ऊपर जाने लगा था कचरा फेंकने, लेकिन मैंने बोला अपने परिंदों से मुलाकात कर ली लेते हैं। सबसे पहले जो हम मुलाकात करेंगे वो होगा ये आगे। सबसे पहले हम अपने परिंदों से मुलाकात करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे मुलाकात मिट्टू से। हाँ भाई, क्या कर रहा है, खुश है? उसके बाद हम अपने अडल्ट मिट्टू से बात करेंगे, ये इसकी पेटी से, फिर इसके पेटी से। और ये हमारे कॉकटेल जो पूरा दिन कुछ नहीं करते, बस खाते हैं पीते हैं और बोलते हैं, इनका और कोई काम नहीं है, और उसके बाद हम आते हैं फिंचेस की तरफ। फिंचेस आप देख सकते हैं वैसी हैं, फुदकड़ी हैं, ओढ़ी हैं, अंदर इन्होंने नेस्टिंग करना शुरू कर दी है, क्या पता ये अंडे दे रहे। और हमारे फिशर, और हमारे फिशर ने भी अंडे दिए हुए हैं। आप यहाँ से तो शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसने अंडे दे दिए। उसके बाद हम आते हैं अपने एंड में बजरी तोते की तरफ। बजरी तोते का कुछ फिलहाल हाल नहीं है, ये यहाँ पर कुछ है, इस ये वाली जो मटकी है, एक सेकेंड, ये वाली, इसके अंदर तोती ने बच्चे दिए हुए। वो सामने वाली जिसके ऊपर तोती बैठी हुई है, वहाँ पर तोती ने बच्चे दिए हुए, इसके अंदर भी एक तोती ने बच्चे दिए हुए। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये मुर्गी आके मेरा सारा काम ख़राब कर रही है। अब मैं इसे क्या बोलूँ, आप बताएं, इसे काट के खा लूँ क्या? और इसके बाद हमारा फिशर बहुत गुस्सा हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हैं, ये देखें किस तरह से आएगा काटने के लिए। और ये हमारे बकरी जैसे, ये हमारे, ये बहुत शरीफ है, ये मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। ये यहाँ, ये यहाँ से जाएगी भी, ये इतनी प्यारी है, ये वाली, ये बैठी। चले फिर, अभी मेरा मिट्टू कुछ बीमार सा लग रहा था तो मैंने उसे जो है ये दवाई दी थी, ये वाली आप देख सकते हैं, ये दवाई मैंने दी थी, इसे फोकस हो जा। हाँ, ये वाली दवाई दी थी मैंने उसे। और ये हमारी मुन्नी, इसका मैंने नाम रखा है मुन्नी, ये हमारी मुन्नी हमारा असली राज में बनी आ रहा। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये फार्मी चूज़ा हमारे ऊपर आ रहा है, तो इसका अब क्या ही करें। तो मैंने बोला कि मैं जो हूँ शान और शौकत से मुलाकात कर ले रहा हूँ आज ही थोड़ी देर पहले, तो अपना ये ब्रश उठाते चलते ऊपर। और ये खड़े हुए हमारे शान और शौकत, ओ भाई ये आ गए सारे भाई। इसको कल दवाई दी थी, अब कुछ बेहतर लग रहा है। और बाकी एक दो दिन में इतवार तक पिंजरे वाले ने आना है, यहाँ पे मास्टर केज बनेगा पूरा, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मास्टर केज बनेगा। और मौसम बड़ा वीआईपी हो रहा है यार, बहुत वीआईपी मौसम हो रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ, इतना आला मौसम हो रहा है ना, मैं दिल कर रहा है मैं सी व्यू चला जाऊँ अभी, लेकिन जगह जगह पानी खड़ा हुआ है आप सबको पता है। तो कल रात को काफ़ी तेज़ बारिश हुई है और मुझे बारिश के आसार लग रहे हैं कि अभी बारिश आ सकती है। तो ये झील जा रही, लेकिन ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो फिलहाल हम जो है
ऐसी मैं छत पर टहल लूँ, देख लेता हूँ कोई काम है। तो अभी मैं अंदर आया था तो मुझे यहाँ से एक अंडा मिला। अब पता नहीं है कौन सी मुर्गी ने दिया है, इसने दिया है या वो काली वाली ने दिया है, मेरे को नहीं पता। खैर एक तो कैमरा मेरे को सही से पकड़ना नहीं आता। हाँ तो ये अंडा मुझे मिला है तो इसे लेके चलते हैं नीचे और अपनी खुफिया जगह पे रख देते हैं। सही है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हमारी खुफिया जगह। तो और ये देख सकते हैं आप लोग, ये मुर्गी जो है कभी नीचे आना छोड़ेगी नहीं। और वो देखें, वो उसका फार्मी चूज़ा, इनको हम पहले पकाते हैं। बस ये मेरी चप्पलें पड़ी हैं बारिश की, क्योंकि आपको पता है कि आपका भाई जो है प्रोफेशनल नहाने वाला है, वो बात अलग है कि कल से मैंने कपड़े चेंज नहीं किए। अब मैं इन लोगों को सबसे पहले पकाता हूँ ऊपर। चलो चलो तो अभी हम चलते हैं अपनी जगह। कमरे के अंदर हम आ चुके हैं, लाइट जला लेता हूँ। हाँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमने यहाँ से खोला डिवाइडर और ये हमने इसके अंदर यहाँ रख दिया अंडा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, तीन अंडे यहाँ पे ऑलरेडी जमा है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं नहाने जा रहा हूँ, नहाने के बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। बंद हो जा, बेइज्जती नहीं करवा, हो गया बंद। तो नहाने के बाद जो है मैं आप लोगों से मिलता हूँ। ओके तो मैं नहा के निकल चुका हूँ और जैसे कि आप सब देख सकते हैं मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा हूँ। मैंने शर्ट वगैरह भी चेंज कर ली है, पैंट भी चेंज कर ली है। और अभी मैं यहाँ पे आया था तो काली मुर्गी आई थी यहाँ पे, क्या कर रही थी मुझे नहीं पता। तो खैर मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा कि काली मुर्गी जा रही है। मैंने बोला ये वो इस जगह अंडा देती है। मैंने देखा यहाँ पे, ना यहाँ पे अंडा था ना यहाँ पे अंडा था, तो इसका मतलब है कि काली मुर्गी हमें पागल बना के जा चुकी है। ठीक है तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मुझे आप लोगों को एक बंदी से मिलवाना है। बंदी तो नहीं है, वो बिल्ली है, मैं उससे मिलवाना है। मैंने आपको दो ब्लॉग्स हो गए, तीसरे ब्लॉग में मैं आपको उससे मिलवा रहा हूँ। ठीक है तो अभी आप देखिएगा कि वो कैसी है। अभी मेरा भाई शायद उसे लेने गया है। चले ठीक है, मैं आपको खुद ही जाके मिलवा देता हूँ। ये है जी हमारी मानो, ये अभी सो रही है, गंदी बच्ची है ये बहुत, ये अभी सो रही है, जो डेढ़ महीने की बच्ची है। ये बहुत गंदी बच्ची है, गंदी बच्ची सो रही है, इसको ये सब खाने की वजह से हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये अभी सो रही है, अभी उठेगी तब मैं आप लोगों को इससे मिलवाऊंगा। तो खैर अभी हम चलते हैं बैलकनी में, तो अभी नहीं जा सकते क्योंकि गन्नी बच्ची, अम्मी गन्नी बच्ची, जा जा लोग देख रहे हैं तेरी वो गन्नी बच्ची छोटी सी, चल अच्छा सो जा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे सेटअप पर जो है बीमारी आई हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। शान शौकत तो वो रहे, अपना फुल एंजॉय कर रहे हैं ठंडे मौसम में। बाकी ये दोनों देखें आप, इन दोनों को, इसको और इसको, इसको और इसको, दोनों वाइट वाले हो सुस्त हुए हैं। इसको देखें, ये भी यहाँ पर में मुंह देके खड़ा हुआ है, ये भी थोड़ा सुस्त हुआ हुआ है। और बाकी वो देखें बत्तख को, वो देखें आप, वो भी सुस्त खड़ी हुई है। अब मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि बीमारी आई हुई है। बाकी सब ये मुर्गी और असील के तीनों दोस्त और मुर्गा मुर्गियाँ, ये बिल्कुल ठीक है सब। बाकी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बीमारी आई हुई है, बल्कि बीमारी कंफर्म आई हुई है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे भी दवाई देनी पड़ेगी, उसको क्या पता ये गीले हो गए, तो मुझे पहले इन लोगों को तौलिया से सुखाना पड़ेगा। फिर सुखाने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो ये जो जितना भी है ना ये मैं कल बेच दूँगा यहाँ पर, ये सब बेच के मैं अल्लाह वाला करे सबसे पहले इनका लाऊंगा स्प्रे, वो बोतल वाला नहीं होता वो वाला स्प्रे, इनको मैं फ़िलहाल अलग कर देता हूँ ताकि जो है बीमारी ना लग सके। तो
सब मैं मुझे लाना पड़ेगा सबसे पहले इनके लिए एक पैनाडोल का सिरप, एक ब्रुफीन का सिरप और एक डेटॉल और एक स्प्रे की बोतल। हालांकि ये जो दवाई है ये वाली, इससे ज़रा सी मर सकते हैं, लेकिन जो है वही है ना कि क्या पता लोकल है इस काम करे या ना करे। तो मैं डेटॉल लेकर आता हूँ, डेटॉल से जो है सबको, पहले तो सबके ऊपर स्प्रे करता हूँ डेटॉल, उन लोगों के ऊपर भी स्प्रे करता हूँ, सबके ऊपर स्प्रे करूँगा फिर उसके बाद। तो आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज आपको अगर व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।